हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाती है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के टॉपिक भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाते हैं। इसलिए आप सभी मेरे इस चैनल पर बने रहिए और सभी वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि कोई पॉइंट आपसे छूट जाए और फिर टॉपिक का कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत आए। इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोंगे मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए मोंगे मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आता है, तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिए और सारी बातें समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक टॉपिक मोंगे विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण को मोंगे विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी और इक्वल टू वी के रूप में दे रखी हो तो हम इसको मोंगे विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये कैपिटल लेटर में आर एस टी और वी हैं, ये एक्स वाई जेड और पी क्यू के फलन हो सकते हैं। यहाँ पर R, S, T और V X, Y और Z, P और Q के फलन हो सकते हैं। कोई सा भी फलन हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि केवल X का ही है, कोई सा भी फलन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि हम R और T की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे किसी तरह से। अब R और T की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मोंगे विधि को हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो इक्वेशन दे रखी होगी वो इस रूप में होनी चाहिए, आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी। आर एस टी और वी जो कैपिटल लेटर में है वो एक्स वाई जेड और पी क्यू के फलन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दो आंशिक अवकलन के फॉर्मूले काम में लेंगे। पहला DP, डीपी बराबर हम लिखेंगे डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई और इंटू डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड आंशिक अवकलन का फॉर्मूला हम काम में लेंगे DQ का। तो DQ इक्वल टू होगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई और इंटू डी वाई। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें मान निकालना है आर का और टी का। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी जो समीकरण नंबर एक है इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो डेल पी अपॉन डेल एक्स का मतलब जेड का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन हो गया, तो ये वैल्यू बन जाती है आर की। तो यहाँ पर आर डी एक्स हो गया ये प्लस डी डेल पी अपॉन डेल वाई, जेड का एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन हो गया, तो ये एस की वैल्यू बन गई एस डी वाई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे तो डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स, ये यहाँ पर एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन हो गया जेड का, तो ये एस की वैल्यू बन जाएगी, तो एस डी एक्स। और प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का मतलब है जेड का वाई के सापेक्ष दो बार अवकलन हो गया, तो ये टी की वैल्यू बन गई, तो टी डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम पहली इक्वेशन से तो आर की वैल्यू निकालेंगे एस डी वाई का पक्षांतरण करके, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आर इक्वल टू, यहाँ से आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एस डी वाई का पहले इधर पक्षांतरण होगा डीपी की तरफ और यहाँ से डी एक्स का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डीपी माइनस
एस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली हमने, एस डी वाई का इधर डी पी की तरफ पक्षांतरण कर दिया और डी एक्स का भाग लगा दिया। और इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी बराबर हो जाएगा डी क्यू माइनस इधर से एस डी एक्स का पक्षांतरण हुआ एस डी एक्स, और टी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डी वाई इसके साथ गुणा में है तो डी वाई का इसके अंदर लग जाएगा भाग। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमको डी पी और डी क्यू की सहायता से आर और टी की वैल्यू निकालनी है। आर और टी के मानों को हमें रखना है जो हमको आंशिक अवकल समीकरण दे रखी है ऊपर, आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी, तो उसके अंदर हम आर और टी के ये दोनों मान रख देते हैं। आर और टी के मान रखने पर, तो आर और टी के मान जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए आर और स्मॉल आर का मान ये वाला रख देंगे डी पी माइनस एस डी वाई और अपॉन डी एक्स प्लस एस 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 ऐसा कैसे आ जाएगा प्लस टी, और स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे डी क्यूब माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू वी। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, डी एक्स और डी वाई एलसीएम आएगा, और उसके बाद ये सॉल्व होकर के आ जाएगा आर डी वाई कोष्टक में आ जाएगा डी पी माइनस एस डी वाई प्लस, यहाँ पर ये दोनों गुणा होंगे डी एक्स डी वाई इसके साथ एस एस डी एक्स डी वाई प्लस का टी, यहाँ पर डी वाई कैंसिल होकर के डी एक्स गुणा होगा यहाँ पर डी एक्स, और कोष्टक के अंदर संख्या बच जाएगी डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और बराबर वी के साथ एलसीएम गुणा हो जाएगा डी एक्स और डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम स्मॉल एस जहाँ जहाँ से भी कॉमन आ रहा होगा उनको एक साइड करेंगे और बाकी सभी पदों को एक तरफ कर लेंगे, तो केवल हमको स्मॉल एस कॉमन लेना है। तो अभी यहाँ पर पूरी लाइन के अंदर कैपिटल एस केवल यहाँ पर है, बाकी इस कोष्टक के अंदर जो है ये स्मॉल एस है, सब जगह पर स्मॉल एस है, तो कैपिटल एस केवल ये वाला है, केवल ये कैपिटल एस है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम स्मॉल एस वाले पदों को अलग करेंगे, बाकी पदों को अलग करेंगे, तो यहाँ से आर डी वाई और डी पी इसमें आ जाएगा। देखिए आर डी वाई और डी पी, यहाँ से ये पहला पद हो गया, उसके बाद दूसरा पद एस का, इसको हम अलग करेंगे, ये वाला पद अलग हो जाएगा, एस वाला है इसलिए टी डी एक्स डी क्यू आ जाएगा यहाँ पर प्लस टी डी एक्स डी क्यू, और यहाँ से वी डी एक्स डी वाई को भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा वी डी एक्स और डी वाई, ये एक कोष्टक में आ गई सारी संख्याएं। अब बाकी के अंदर हमको क्या करना है, एस को कॉमन लेना है यहाँ से स्मॉल एस को, तो देखिए यहाँ से ये स्मॉल एस कॉमन आएगा और माइनस में आर डी वाई और डी वाई गुणाओं के डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल एस डी एक्स डी वाई बचेगा, यहाँ से माइनस का एस और माइनस का एस कॉमन आ जाएगा तो टी डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, तो माइनस का एस हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बच जाएगा यहां से आर डी वाई स्क्वायर, तो आर डी वाई स्क्वायर यहां से बच गया पहला पद, इसमें से एस को कॉमन ले लिया तो प्लस का, माइनस हमने कॉमन लिया है तो इसलिए माइनस का हो जाएगा एस डी एक्स डी वाई, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो टी डी एक्स स्क्वायर प्लस का बच जाएगा प्लस टी डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे अब हम क्या करेंगे कि ये दो रेखाओं के समीकरणों की तरह हो गया, जैसे दो रेखाओं को जोड़ करके एक रेखा बनाई जाती है, उसी तरीके से यहां पर ये दो पद हैं, तो इन दोनों पदों को अलग अलग भी हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं। एक पद तो यहां पर यही वाला हो गया, एक तो ये रेखा का समीकरण हो गया और एक ये दूसरा हो गया, इन दोनों को हम अलग अलग जीरो के बराबर लिख लेते हैं। देखिए एक समीकरण तो हो गई आर डी वाई डी पी प्लस टी
डी एक्स डी क्यू माइनस का वी डी एक्स डी वाई बराबर ज़ीरो। इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। फिर दूसरी समीकरण यहाँ पर हो जाएगी आर डी वाई स्क्वायर माइनस का एस डी एक्स डी वाई और प्लस का टी डी एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। इनको हम मोंगे की सहायक समीकरण बोलते हैं, मोंगे की सहायक समीकरण सब्सिडरी इक्वेशन, समीकरण एक और दो मोंगे सब्सिडरी कहलाती है। यानी इनको हम मोंगे की सहायक समीकरण बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर समीकरण नंबर जो दो है, इसके दो गुणनखंड होंगे। यहाँ पर हर प्रश्न के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी जिससे जो इक्वेशन नंबर टू है, इसकी दो गुणनखंड हो जाएंगे। इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग समीकरण नंबर एक के साथ यूज़ करते हुए हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए, समीकरण नंबर दो से, समीकरण दो से हमको दो हल प्राप्त होंगे यहाँ पर, और समीकरण नंबर दो के अंदर जो दो हल प्राप्त होंगे उनको हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि डी वाई माइनस एम वन डी एक्स बराबर ज़ीरो, और दूसरा जो हल होगा डी वाई माइनस एम टू डी एक्स बराबर ज़ीरो। तो समीकरण नंबर दो से इस तरह के दो हल मिलेंगे हमको, ये हर सवाल में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर हम समझा रहे हैं और ऐसा आगे होगा नहीं। हर प्रश्न के अंदर ऐसी स्थिति आएगी कि समीकरण नंबर दो जो हम मानेंगे सब्सिडरी इक्वेशन के अंदर मोंगे की सहायक समीकरण में, उसमें से दो गुणनखंड इस तरह के होंगे। अब हमारे पास हो गई चार इक्वेशन। यहाँ से समीकरण नंबर दो का काम अब खत्म हो गया, क्योंकि समीकरण नंबर दो के हमने दो गुणनखंड इस तरीके से हम कर लेंगे। तो दो की जगह पर अब हमारे पास इक्वेशन नंबर तीन और चार हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर एक और तीन को लेकर के दो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे यहाँ पर। यही प्रोसेस है सवाल को भी सॉल्व करने का, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते चले आना है। तो यहाँ समीकरण नंबर एक और तीन से हमको दो हल प्राप्त होंगे, जिसको हम बोलेंगे u1 बराबर a और v1 बराबर b। इस तरीके से समीकरण नंबर तीन और एक को जब हम शामिल करके करेंगे हल सॉल्व, तो u1 बराबर a और v1 बराबर b दो हल प्राप्त होंगे। और इन दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ पर u1 बराबर f v1। ये एक सॉल्यूशन हो गया, u1 बराबर f v1। ये समीकरण नंबर हमने पाँच ले लिए। इसी तरीके से अब समीकरण नंबर चार को जब हम एक के साथ मिलाएंगे, समीकरण एक और चार, समीकरण नंबर एक और चार को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां से भी इसी तरह के दो हल प्राप्त होंगे, जिनको हम लिख सकते हैं u2 बराबर a और v2 बराबर b। और इन दोनों की सहायता से एक और हल मिल जाएगा, वो हो जाएगा u2 बराबर f v2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सिक्स। अब समीकरण नंबर पाँच और छः की सहायता से P और Q की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। समीकरण नंबर पाँच और छः के अंदर P और Q आएगा निश्चित रूप से, दोनों समीकरण P और Q की रहेगी। तो उन दोनों को आपस में सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, समीकरण पाँच और छः से P और Q के मान प्राप्त होते हैं। तो P और Q के मान प्राप्त हो जाएंगे यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, जब P और Q के मान हमारे पास आ जाएंगे तो जो हमको आंशिक अवकल समीकरण दे रखी है ऊपर, उसका जो हल होगा वो डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के बराबर हो जाएगा। देखिए, माना दी गई समीकरण का हल
डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है। तो हमको जो भी समीकरण दे रखी है उसका सॉल्यूशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के रूप में है, तो यहाँ पर हम पी और क्यू की वैल्यू रख देंगे। पी और क्यू के मान रख कर, इसके अंदर पी क्यू के मान रखने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करके पी क्यू के मान जब हम इसके अंदर रख देंगे तो समाकलन करके हमको इसका संपूर्ण हल प्राप्त होगा। दी गई समीकरण का संपूर्ण हल प्राप्त होता है। तो ये मोंगे मेथड का पूरा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम आंशिक अवकलन समीकरण को हल कर सकते हैं। द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो वो पूरा हो जाए, सही हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हमको एक आंशिक अवकल समीकरण दे रखी होगी आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर एस टी और वी जो है वो एक्स वाई जेड और पी क्यू के फलन हो सकते हैं। अब इसको आगे हल करने के लिए हम डी पी और डी क्यू के लिए दो ये आंशिक अवकलन के फॉर्मूले हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं डी पी और डी क्यू के लिए। ठीक है, तो डी पी और डी क्यू के मान जब यहाँ से आ जाएंगे ये, तो पहली इक्वेशन से हमको आर की वैल्यू निकालनी है पक्षांतरण करके, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उससे हमको टी की वैल्यू निकालनी है। तो आर और टी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो जो समीकरण हमको दे रखी थी उसमें आर और टी की जगह पर हम इनको पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आर और ये आर की वैल्यू हो गई प्लस एस एस प्लस टी और ये टी की वैल्यू हो गई इक्वल टू वी, ऐसा कैसे ही रह गया। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। अब एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है कि स्मॉल एस वाले पदों को एक तरफ करना है और बाकी सारे पदों को दूसरी तरफ करना है। तो स्मॉल एस जिस जिस में से कॉमन आ रहा है वो हमने यहाँ पर स्मॉल एस को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर तीन पद बच गए, यहाँ पर जो बिना एस वाले पद थे वो अलग हो गए। अब ये दो गुणनखंड के रूप में है तो यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर हमने लिख दिया, यहाँ पर ये दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लिख दिया। ये समीकरण नंबर एक और दो है, ये मोंगे की सहायक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में एक समीकरण ऐसी होगी जिसके गुणनखंड हो जाएंगे और वो गुणनखंड होंगे वाई डी वाई माइनस एम वन डी एक्स और डी वाई माइनस एम टू डी एक्स इक्वल टू जीरो के रूप में होंगे। तो अब इक्वेशन नंबर दो की जगह पर हमारे पास तीन और चार दो समीकरण आ गई नई। अब समीकरण नंबर दो से हमको कोई काम नहीं है, इसलिए अब हमारे पास तीन समीकरण हो गई इक्वेशन नंबर वन थ्री और फोर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इक्वेशन नंबर वन के साथ पहले हम समीकरण नंबर यहाँ से एक गुणनखंड तीन को ले लेंगे। एक और तीन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे यू वन बराबर ए और वी वन बराबर बी के रूप में, और इन दोनों की सहायता से यू वन इक्वल टू एफ वी वन के रूप में हम एक नया फलन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से समीकरण एक और चार को जब हम हल करेंगे तो फिर दोबारा से दो हल प्राप्त होंगे हमको ए टू इक्वल टू वी ए और वी टू इक्वल टू बी। इन दोनों से नया फलन हमको मिल जाएगा यू टू इक्वल टू पी एफ वी टू। ये समीकरण नंबर पाँच और छः हो गई। इन दोनों को हम मध्यवर्ती समाकलन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। मोंगे विधि के अंदर जो ये दो सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिले इन दोनों को बोलते हैं मध्यवर्ती समाकलन, और इन दोनों के अंदर पी और क्यू आ रहा होगा किसी न किसी रूप में। तो समीकरण नंबर पाँच और छः को जब हम सॉल्व करते हैं तो पी और क्यू की वैल्यू निकलती है, और पी और क्यू की वैल्यू जब आ जाती है तो उसको हम संपूर्ण हल dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई मान लेते हैं, और p और q की वैल्यू यहाँ पर रख के इसका समाकलन करेंगे तो z इक्वल टू जो भी आएगा वो द्वितीय कोटि की जो आंशिक अवकलन समीकरण है उसका मोंगे विधि के द्वारा संपूर्ण हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम किसी भी मोंगे विधि किसी भी इक्वेशन को मोंगे विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को अभी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। ये तो प्रोसेस था कि हम किस तरीके से मोंगे मेथड को हल करेंगे, और अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर दो सहायक समीकरण हमने निकाली है मोंगे विधि की,
समीकरण नंबर एक और दो ये कैसे आई थी? हमने यहाँ पर दो आंशिक अवकलन के फॉर्मूले माने, उनसे हमने आर और टी की वैल्यू निकाली, आर और टी के मान को हमने दी गई समीकरण में रखा, एस वाले पदों को अलग और बाकी पदों को अलग किया और फिर यहाँ से जो दो गुणनखंड आए उनको अलग अलग जीरो के बराबर रखा, तो समीकरण नंबर एक और दो हमारे पास आई। अगर समीकरण नंबर एक और दो, इन दोनों सहायक समीकरण को हम याद कर सकते हैं, अगर हम इन समीकरणों को याद कर सकते हैं तो दी गई समीकरण की तुलना करके आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी से तुलना करके आर टी वी और एस की वैल्यू पता कर लें कि आर एस टी वी की जगह पर क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, और वो आर एस टी वी के मान डायरेक्ट इन समीकरण नंबर एक और दो में आर टी वी और एस की जगह पर रख के डायरेक्ट सहायक समीकरण भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमको एज इट इज ये सहायक समीकरण याद हों। तो इसके अंदर हम आर टी वी और एस की वैल्यू रख के सीधी सहायक समीकरण निकाल सकते हैं, नहीं तो पूरा प्रोसेस ये है आर और टी की वैल्यू निकाल करके हमको इसमें रखनी है और फिर उनको अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो सहायक समीकरण आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसी वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस आंशिक अवकल समीकरण को मोंगे विधि के द्वारा हल करके देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अधिकतर एग्जाम के अंदर यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी, इसको हम मोंगे विधि के द्वारा हल करने को देखते हैं। चलिए अभी हमने मोंगे विधि में सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो पूरा प्रोसेस समझा, वहाँ पर हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन आर आर एस एस टी टी के इक्वल टू वी के पदों में अगर दे रखी है तो हम उसको मोंगे विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि आर और टी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर आर और टी की वैल्यू निकालने के लिए दो आंशिक अवकलन समीकरण के फॉर्मूले लिखे थे, डी पी बराबर डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, एक इक्वेशन तो ये थी, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा डी पी माइनस एस डी वाई और अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर दोबारा दूसरी आंशिक अवकलन समीकरण का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था डी क्यू इक्वल टू डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यूब अपॉन डेल वाई और इंटू डी वाई। यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है टी के लिए, देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एस होता है, तो एस डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई, टी का मान होता है टी डी वाई, और इसकी सहायता से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ये टी और आर की जो वैल्यू हमने निकाली है वो दी गई समीकरण में रखनी है। तो आर और टी के मान हम इसमें रख देते हैं, और इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी, इसमें रखना है मान हमको। तो आर की जगह पर हमको लिखना है डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आर की वैल्यू हो गई, इक्वल टू ए स्क्वायर, और टी की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमने आर और टी की वैल्यू रख दी है। इसके बाद यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है इसका, डी एक्स डी वाई एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा डी वाई, डी वाई इंटू कोष्टक में डी पी माइनस एस डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स और डी क्यूब माइनस एस डी एक्स,
इसके बाद हमने क्या किया था, दो मोगे की सहायक समीकरण निकालनी है जिसमें एस वाले पदों को अलग करना है और बिना एस वाले पदों को अलग करना है। तो यहाँ पर dy dp dy और dp विदाउट s वाला पद है और यहाँ से a स्क्वायर dx dq माइनस करके हम इधर ले लेंगे a स्क्वायर dx dq, ये वाले पद हो गए बिना s वाले। इसके अलावा s का पद एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर है, तो माइनस का s हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा dy स्क्वायर, ये वाला पद माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जो ये दो इक्वेशन आ रही है अलग अलग, इन दोनों को हमको क्या करना है, अलग अलग जीरो के बराबर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर लेते हैं अब हम, तो डी वाई डी पी माइनस ए स्क्वायर टी एक्स डी क्यू बराबर ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। दूसरी समीकरण हो जाएगी डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर हमने दो मान लिया। फिर अभी हमने जो प्रोसेस देखा पूरा, उसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण के दो गुणनखंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर दो के दो गुणनखंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड कर लेते हैं समीकरण नंबर दो से। तो इसके गुणनखंड होंगे डी वाई माइनस ए डी एक्स और डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर ज़ीरो, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लिखा तो ये हो जाएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर ज़ीरो और डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर ज़ीरो, इनको इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर हमने यहाँ पर ले ली। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए समीकरण नंबर दो के दो गुणनखंड हो गए तीन और चार, तो समीकरण नंबर दो अब हमारे किसी भी काम की इक्वेशन नहीं है, अब हमारे पास केवल समीकरण नंबर एक तीन और चार है, इनकी सहायता से अब हमको सवाल को आगे बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक और तीन को ले लेते हैं, समीकरण एक और तीन से। अब एक और तीन से हमको करना क्या है, समीकरण नंबर तीन से dy की वैल्यू निकाल लेंगे adx, समीकरण नंबर तीन से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी adx, जो समीकरण नंबर एक में हम dy की जगह पर रख देते हैं। तो देखिए dy की जगह पर हमने लिखा adx, तो adx और dp वहाँ पर पहले से ही है, माइनस ए स्क्वायर dx dq बराबर ज़ीरो, यहाँ पर देखिए adx कॉमन आ रहा है तो यहाँ से रह जाएगा dp माइनस ए dq बराबर ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो इसका हल निकाल लेते हैं हम, इसका हल क्या हो जाएगा, dp का तो p हो गया माइनस ए क्यूब और इसके बराबर में हम मान लेते हैं ए कॉन्स्टेंट a, और इसके अलावा जो समीकरण नंबर तीन है, तीन और एक को ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो तीन से हमने dy की वैल्यू एक में रखी, उससे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब जो समीकरण नंबर तीन थी उसका भी इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो dy का y हो जाएगा माइनस ए डी एक्स का ए एक्स हो गया और इसका कॉन्स्टेंट ले लिया हमने बराबर में b, और इन दोनों को फलन के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस ए क्यू बराबर एफ वन वाई माइनस ए एक्स, इसको हमने ऐसे लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, p माइनस ए क्यू बराबर a, तो ये a कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट के लिए हमने दूसरे वाले कॉन्स्टेंट का जो फलन है उसको फलन के रूप में लिख दिया, तो ये समीकरण नंबर बन गई हमारे पास पाँच। अब इसी तरीके से हमको समीकरण नंबर एक और चार को काम में लेना है। देखिए इसी प्रकार समीकरण एक और चार से, अब देखिए समीकरण नंबर एक और चार को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण नंबर चार में जो
dy का मान है, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर चार में जो dy का मान है वो माइनस का adx होगा, और वो हमको रखना है समीकरण नंबर एक में। तो देखिए वो हो जाएगा माइनस का dy की जगह पर adx, और वहाँ पर dp पहले से ही है, माइनस ए स्क्वायर dx dq वहाँ पर पहले से ही है, ये हो जाएगा। अब माइनस का adx इसमें से कॉमन आ गया, तो ये हो गया dp प्लस ए डी क्यू, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आएगा p प्लस ए क्यू, इसके बराबर में कांस्टेंट हमने फिर से a मान लिया, और जो समीकरण नंबर चार थी, एक और चार को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चार से मान एक में रखा और उससे ये सॉल्यूशन आया। और इक्वेशन नंबर फोर को अगर हल करते हैं तो इक्वेशन नंबर फोर क्या है, इक्वेशन नंबर फोर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा y प्लस ए एक्स, और उसके बराबर में कांस्टेंट मान लिया b, और इन दोनों की सहायता से जब एक नया सॉल्यूशन हम लाएंगे फलन के रूप में, तो p प्लस ए क्यू तो ऐसा कैसे ही लिख देना है, बराबर कांस्टेंट की जगह पर इस वाले कांस्टेंट का फलन के रूप में मान रखना है, तो ये हो जाएगा f2 y प्लस ए एक्स, ये हो गया समीकरण नंबर छः। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमको समीकरण नंबर पाँच और छः को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर p माइनस ए क्यू है और इसमें p प्लस ए क्यू है, तो पाँच और छः को अगर हम जोड़ देते हैं तो ए क्यू यहाँ पर कैंसिल होकर के p की वैल्यू निकल सकती है। तो देखिए अब समीकरण पाँच और छः से जोड़ रहे हैं हम, तो ए क्यू कट करके 2p हो जाएगा, तो p बराबर निकलेगा मान, तो वो 2p का 1 अपॉन 2 हो जाएगा इधर से, और देखिए समीकरण नंबर 5 और 6 में, तो ये तो लेफ्ट साइड हो गई, p और p जुड़ करके 2p हो गया, 2 का इधर भाग लग गया तो p की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा f1 y माइनस ax प्लस f2 y प्लस ए एक्स, ये मान आ गया हमारे पास p का। अब समीकरण नंबर पाँच और छः से अब हमको q की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम करते हैं समीकरण नंबर छः में से पाँच को घटा देंगे, तो p कट करके 2a क्यूब हो जाएगा, जिससे q की वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन 2a का इधर से भाग लगेगा। देखिए पुनः समीकरण पाँच और छः से, देखिए यहाँ पर जो ऊपर था इसमें समीकरण नंबर पाँच और छः को हमने लिया है, समीकरण नंबर पाँच प्लस छः किया है, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं समीकरण नंबर छः माइनस पाँच, घटा रहे हैं इनको आपस में, ठीक है। तो यहाँ से अब q की वैल्यू आएगी, वन अपॉन टू ए का भाग लग जाएगा, और यहाँ पर आएगा अब f2 y प्लस ए एक्स और माइनस f1 y माइनस ए एक्स, तो ये यहाँ से q की वैल्यू आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, p और q का मान जब हमारे पास आ गया, तो अब हम जो आंशिक अवकल समीकरण हमको दे रखी थी उसका संपूर्ण हल मान लेते हैं और वहाँ पर p q को यूज़ करेंगे। माना माना संपूर्ण हल डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इसका संपूर्ण हल है मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर p और q के जो मान हमने निकाले उन मानों को रख देते हैं, ठीक है। देखिए p और q के मान रखने पर, तो P और Q के मान जब रखेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा DZ इक्वल टू P का मान रखेंगे 1 अपॉन 2 F1 Y माइनस AX प्लस F2 Y प्लस AX और DX प्लस क्यू का मान रखना है अब,
और q का मान है 1 अपॉन 2 a f2 y माइनस ए एक्स माइनस एफ वन वाई प्लस ए एक्स, सॉरी यहाँ पर y प्लस ए एक्स है और इसके अंदर y माइनस ए एक्स आएगा और इसके साथ आ जाएगा dy। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पर दिख रहा है कि f1 दोनों के अंदर से कॉमन आ सकता है, ठीक है, और f2 दोनों के अंदर एक जैसा इनको कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन 2 है तो यहाँ से LCM लिया हमने, तो ये 1 अपॉन 2 है तो हो गया LCM, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने y f1 y माइनस ए एक्स और यहाँ से भी f1 y माइनस ए एक्स को अगर कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा यहाँ से a का गुणा होगा इसके अंदर क्योंकि 1 अपॉन 2 है तो ए डी एक्स, और इसके अंदर से बचेगा यहाँ से dy, ठीक है, तो प्लस का तो ए डी एक्स बचेगा और माइनस का dy बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया f1 y माइनस ए एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों के अंदर से। अब दोनों में से जब इसको कॉमन ले लिया तो अपने पास माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस एफ वन वाई माइनस ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से केवल dy बचेगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का ए डी एक्स बचेगा, ये तो ये पद हो गया। फिर उसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं एफ टू वाई प्लस ए एक्स, तो देखिए यहाँ से एफ टू वाई प्लस ए एक्स कॉमन गया और 1 अपॉन 2 हमने पहले से ही बाहर ले रखा है तो यहाँ से dy बचेगा और a का गुणा इसके अंदर होगा तो प्लस का ए डी एक्स बचेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा dy प्लस ए डी एक्स, ये डियर स्टूडेंट्स समीकरण होगी। अब देखिए यहाँ पर जो फलन के अंदर y माइनस ए एक्स लिख रहा है, अगर हम इसको t मानते हैं, इसको y माइनस ए डी एक्स को अगर हम t मानते हैं तो इसका अवकलन होगा dy माइनस ए डी एक्स, तो ये लिख रहा है dy माइनस ए डी एक्स, इसकी जगह dt हो जाएगा, ये f1t हो जाएगा। f1t का इंटीग्रेशन करेंगे मान लो, तो फलन का इंटीग्रेशन हम दूसरे फलन के रूप में मान लेते हैं, जैसे 1 अपॉन 2a, और हमने मान लिया कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा phi 1 y माइनस ए एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी फलन के रूप में मान लेते हैं phi 2 y प्लस ए एक्स, ये फलन के रूप में है, इधर dz का इंटीग्रेशन z हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये z बराबर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बाहर जो कांस्टेंट वाला पद लिखा हुआ है 1 अपॉन 2a, एक बार इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन 2a फाई 1 y माइनस ए एक्स प्लस 1 अपॉन 2a फाई 2 y प्लस ए एक्स, इसको हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया और अब इनको हम फलन के रूप में भी दूसरे फलन के रूप में मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, यहाँ पर f1 का इंटीग्रेशन phi1 के रूप में लिया, f2 का इंटीग्रेशन phi2 के रूप में लिया, यहाँ पर ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और ये माइनस का निशान जब इससे मुड़ा होगा तो ये ऐसा कैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर पुनः अपन क्या करेंगे कि इसके लिए एक और फलन मान लेते हैं कांस्टेंट के साथ, पुनः माना इसका हल, तो z इक्वल टू इसको हम नए फलन के रूप में ले लेते हैं f1 y माइनस ए एक्स प्लस, और इसको नए फलन के रूप में ले लेते हैं f2 और y प्लस ए एक्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका संपूर्ण हल हो जाएगा मोंगे विधि के द्वारा। तो इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि कोई अगर डाउट रह रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सभी को समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
देखिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल टू ए स्क्वायर टी, मोंगे विधि के द्वारा इसको हमें हल करना है। यहाँ पर हमको दो आंशिक अवकलन के फॉर्मूले लेने, डीपी का लेना है एक तो, ठीक है, तो एक तो ये डीपी वाला फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक तो हो गया ये डीपी का सूत्र, ठीक है, डीपी इक्वल टू डेल पी डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई हो गया, डेल पी अपॉन डेल एक्स को आर लिख दिया, डेल पी अपॉन डेल वाई को एस लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड आंशिक अवकलन का फॉर्मूला है अपने पास, तो उसकी सहायता से हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हो गया दूसरा। इसके अंदर डेल क्यू अपॉन डेल एक्स को हमने एस लिख दिया, डेल क्यू अपॉन डेल वाई को टी लिख करके और टी की वैल्यू निकाल ली। आर और टी के मान जो प्रश्न हमको दे रखा है उसके अंदर रख देना है, तो आर और टी के मान हमने इसके अंदर रख दिए, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी के अंदर। फिर इसके बाद इसका लघुत्तम लिया तो ये लाइन आ गई, और एस के पदों को अलग कर दिया और बिना एस वालों को अलग कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आई, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के दो गुणनखंड भी जरूर होंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू के दो गुणनखंड हो गए, जिसको हमने समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर चार ले लिया, ठीक है। अब समीकरण नंबर तीन चार और समीकरण नंबर एक से अलग अलग हमको सॉल्व करना है। पहले हम समीकरण नंबर एक के साथ इक्वेशन नंबर थ्री को ले रहे हैं, यहाँ से y का मान समीकरण नंबर एक में रख के एक सॉल्यूशन ये वाला निकाल लिया यहाँ पर, और इसका हल हो गया इंटीग्रेशन के द्वारा पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट मान लिया, और जो इक्वेशन नंबर तीन थी उससे वाई माइनस एक्स इक्वल टू वी हो गया। इन दोनों को फलन के रूप में लिखना है अब, तो इन दोनों को फलन के रूप में लिखेंगे तो पी माइनस ए क्यू हो गया, और इस कॉन्स्टेंट की जगह पर दूसरे वाली समीकरण के कॉन्स्टेंट का फलन लिखना है, तो एफ वन वाई माइनस ए एक्स, तो ये अपने पास एक सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से अब समीकरण एक के साथ चौथी समीकरण को काम में लेंगे, तो हमारे पास दूसरा हल आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सिक्स हो गई। समीकरण नंबर पाँच और छः दोनों पी और क्यू की इक्वेशन है, तो पहले हमने समीकरण नंबर पाँच और छः को जोड़ करके पी की वैल्यू निकाल ली, और समीकरण नंबर पाँच और छः में से पाँच को घटा करके हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास पी और क्यू की। अब पी और क्यू के मान जब आ जाते हैं तो अब हम संपूर्ण हल निकाल सकते हैं, संपूर्ण हल हम डी जेड मान सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका संपूर्ण हल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर डी जेड ले लिया, पी और क्यू के मान यहाँ रखे, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, जो फलन कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन के रूप में ले लिया, और यहाँ पर वाई माइनस ए एक्स का अवकलन डी वाई माइनस ए डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई प्लस ए एक्स का अवकलन डी वाई प्लस ए डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर ये, तो इसका जो फलन का जो समाकलन होगा उसको हमने f1 और f2 को phi1 और phi2 के रूप में प्रदर्शित कर लिया, और मान लिया कि f1 y माइनस ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो phi1 y माइनस ए एक्स होगा, और f2 phi y प्लस ए एक्स का इंटीग्रेशन f2 phi2 y प्लस ए एक्स होगा, ठीक है। तो 2a यहाँ पर अंदर इंटू कर दिया हमने, 2a को इंटू कर दिया, तो वापस से इस पूरे फलन को कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए पूरे फलन को हमने phi1 को f1 से प्रदर्शित कर दिया और phi2 वाले फलन को F2 से प्रदर्शित कर दिया, तो ये अपना यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।